अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। तीर्थ यात्रा के बारे में बताएं और सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है जो जरूर करना चाहिए। देखिए, तीर्थ यात्रा में सबसे पहले चीजें समझ लें कि तीर्थ क्या है। कई लोग तीर्थ करने तो जाते हैं पर दरअसल वो तीर्थ कर नहीं पाते। तीर्थ क्या है, तीर्थ शब्द किन चीजों से मिलकर बना है जानना बहुत जरूरी है। जो भी तीर्थ आप जा रहे हैं, जब भी आप जा रहे हैं, पूरे भाव और पूरे सम्मान के साथ तीर्थ में जाएं। ये लक्षण पहला। अब मान लीजिए आप द्वारकाधीश जा रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो आपको द्वारकाधीश वहां प्राकट्य कैसे हुए, द्वारकाधीश का मंदिर कब बना, इस मंदिर की प्राचीन किंवदंती या कहानी क्या है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसके बारे में आपको वहां के पंडा पुजारी के द्वारा जान लेना चाहिए। ये तीर्थ का पहला दर्शन है, स्टेप है पहला। अब आप पूछेंगे जानना क्यों जरूरी है। आप गए तीर्थ करने, समझिए आप गए तीर्थ करने, और आप सभी लोग भी इस बात को जान लें, आप तीर्थ करने गए, मान लीजिए आप वहीं गए द्वारकाधीश, भीड़ में लगे, लाइन में आपने देखा, दर्शन हो गए, राम राम की, आप आ गए, मंदिर देखा, बड़ा भारी विशाल मंदिर, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, आप आ गए, अपने वापसी आ गए। अब अगर आपसे कोई पूछे, अच्छा आप द्वारकाधीश गए थे, वाह वाह, तो क्या है, कैसा है आर्किटेक्ट, कैसा है, चीजें कैसी हैं, कब भगवान वहां पहुंचे, तो आपको कुछ नहीं मालूम। वहीं अगर कोई आपको बताए ये जो द्वारकाधीश का मंदिर है इतने वर्ष पुराना है, भगवान यहाँ इस रूप में आए थे, और ये वही द्वारकाधीश की प्रतिमा है जिसमें मीरा साक्षात मूर्ति में समा गई थी, साक्षात मूर्ति में समा गई थी, तो ये जो मंदिर, जो ये जो निर्माण है, ये किन राजाओं ने करवाया था, फिर इसका जीर्णोद्धार कब हुआ, किस तरीके से ये कार्य करता है, समुद्र के किनारे क्यों है, सो मैनी थिंग्स आर देयर। जब आपको ये मालूम पड़ेगा तो मूर्ति का दर्शन जब आप करेंगे तो आपका भाव बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उनके उनके ऐश्वर्य और वैभव के बारे में सुन लिया। जब तक हम किसी भी तीर्थ का ऐश्वर्य और वैभव नहीं जानते, तब तक हमारे अंदर भी वो जो आस्था है वो और प्रगाढ़ नहीं होती। तो ये पहला दर्शन है, ध्यान रखिएगा। इसलिए आस्था और विश्वास प्रगाढ़ हो उसके लिए आप जिस तीर्थ में, जिस मूर्ति में जा रहे हैं पूजन करने, जिस मंदिर में, उसके बारे में आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है। सिर्फ दर्शन भर से काम नहीं होगा, ये चीज समझ लीजिए। दूसरी बात तीर्थ का, जब भी आप तीर्थ में जाएं तो प्राचीन तीर्थों में तो जो मंदिर है वहां पर कुआ बावड़ी नदी होती है या समुद्र होता है, तो कुआ बावड़ी नदी तालाब समुद्र जो भी पड़ रहा है उसमें आपको स्नान जरूर करना है। ये बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं, वहां आपको स्नान जरूर करना है। तीर्थ का दूसरा नियम, तीर्थ का तीसरा नियम, जब भी आप तीर्थ में जा रहे हैं वहां पर सत्संग जरूर सुने। जहां भी सत्संग हो रहा हो तीर्थ में, कहीं कथा हो रही हो, कोई भी हो रहा हो, आपको जाकर वहां पर उस सत्संग को सुनना है, उस कृपा को लेना है। ये तीसरा नियम है, क्योंकि तीर्थ में कथा सुनना बहुत जरूरी है, और तीर्थ में बैठकर कथा सुनने के लिए कई पुराणों में दर्शन है। तीर्थ में बैठकर कथा सुनना लाखों गुना फलदायी होता है। यहाँ पर भी लोग आते हैं, कई लोग यहाँ आकर कथा कराते, उनका कारण यही है कि वो चाहते हैं कि हम तीर्थ में कथा करके सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएं। तीसरा कारण। चौथा कारण, जिस भी जगह आप जा रहे हैं उन जगहों पर आप दान धर्म भंडारा लंगर, अब जो आपकी शक्ति हो, आप 5 लोगों को खिला सकते हैं या 500 लोगों को खिला सकते हैं, दान धर्म जैसे भी आपसे हो सकता है आपको करना चाहिए। ये आपके द्वारा चौथा नियम है जो आपको पूर्ण करना है। पांचवा नियम, अगर किसी तीर्थ में आप जा रहे हैं वहां कम से कम 3 रात्रि का आपको विश्राम करना चाहिए, कम से कम, ये अति आवश्यक है। और वहां गुरुकुल आदि इत्यादि हो उसका दर्शन, क्योंकि गुरुकुलों से ही हमारी परंपरा बढ़ती है, तो उसका दर्शन। ये 5 कारण बताए गए हैं तीर्थ को पूर्ण करने का, जिससे तीर्थ पूर्ण माना जाता है, पूर्ण माना जाता है।